हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ अपने मायके काठगोदाम। वैसे तो मेरा विशाल में काम था, क्योंकि मैं इसके लिए ड्रेस लेके आई थी, वो ड्रेस छोटी हो गई, तो मैंने सोचा कि आज सैटरडे है, आज चली जाती हूँ, ड्रेस भी बदल लूँगी और अपने मायके भी एक दिन रह लूँगी और संडे को वापस आ जाऊँगी। तो मिलते हैं हम आपको विशाल में सीधे। श्री और मैं जा रहे हैं बस, तो हम जाने लग गए हैं और टाइम हो रहा है 5 और अभी भी इतनी तेज़ धूप है। देखो मेरे पीछे कितनी तेज़ धूप है। हमें ज्योति छोड़ रही है हल्दीचौर तक, वहाँ से हम ऑटो में चले जाएंगे। यहाँ पे स्कूटी को थोड़ा सा ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत गर्म हो गई है धूप में खड़े होने से। चलो हम विशाल पहुँच गए हैं और यहाँ पे दीदी भी आई है। हेलो दीदी। अभी हो रही है बच्चों की शॉपिंग और मैंने इसे एक्सचेंज कराना था, वो भी करा लिया। उसके बदले एक पजामा और एक फ्रॉक ले लूंगी इसके लिए। गाइस, हम काठगोदाम को निकल गए हैं और ये स्कूटी भी मुझे विशाल से घर छोड़ दिए स्कूटी में। मेरे मजे आ गए, वरना मुझे ऑटो में जाना पड़ता। बचे थे मेरे देने ना ऑटो किराया। तो हम पहुंच गए हैं अपने घर काठगोदाम और यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ भैया है, बस हो गया, मम्मी गई है सिर्फ पुराण सुनने और मिट्टू में। भैया की बन रही है चाय, ये हमारे लिए चाय बना रहा है। तो अब मम्मी भी आ गई है घर श्री पुराण सुन के, और मम्मी की बच्ची है श्री को। हेलो श्री, श्री ये मारूंगी। तो अब हमारा हो रहा है डिनर और डिनर में मम्मी ने बनाए हैं छोले भटूरे, क्योंकि मैंने मम्मी से बोला था कि आज छोले भटूरे बनाना, मैं आ रही हूँ, तो मम्मी ने आज छोले भटूरे बना दिए। नहीं नहीं कौन करेगा भाई, कौन करेगा, नहीं 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 कौन कर रहा है। आ नानी ने लाएगी बब्बू को। यहाँ पे श्री सो गई है नहा धो के फर्स्ट क्लास तरीके से। अब हम भी नहा धो लेते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ को भी बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी तेज़ धूप हो रही है यहाँ कि मुझे कैमरा भी नज़र नहीं आ रहा है कि कहाँ मेरी वीडियो बन रही है या नहीं। तो 7 ताल तो हम भी तो जा रहे हैं। 7 ताल नया प्लान बना है, दस से भैया से पूछ। स्कूटी से तो हमारा भी बन रहा है 7 ताल जाने का प्लान, 20 तारीख को ना। 20 तारीख को तो स्कूटी से चिल्लड़ को ले जाइए। हाँ श्री, खाओगी हलवा, खाओगी? नहीं तो मुझे मिल ही नहीं रहा है सामान। बहुत अच्छा हूँ।
आपने आज रील नहीं बनाई, बनाओगी? हाँ बनाऊंगी मम्मा। तो गाइस रील बना लेते हैं हम आटे का हलवा। आज वो आटे का हलवा खाएगी, थोड़ा सा घी डाल के बस। इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर देती हूँ और ये अच्छे से भून जाए। इसके बालों में क्लिप लगा दो मम्मी, क्लिप लगा दो, क्लिप बैक पे नहीं है। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें चीनी का पानी डाल दूंगी। ये हो गया श्री का हलवा तैयार, अभी ठंडा हो जाएगा तो उसको खिला दूंगी, उसका पेट भर जाएगा। और ये श्री को बहुत ज्यादा पसंद है। ये है बहुत पुरानी गुड़िया, अगर मेरी बहनें देख रही होंगी तो उनको पता चल रहा होगा कि ये कितनी पुरानी गुड़िया है, रितिका वर्षाना सौम्या दी। और ये चाचा ने हमारे संभाल के रखी थी और फिर उसके बाद ये मम्मी ने संभाल के रखी है और अब ये श्री खेल रही है इससे। लो श्री, ये कौन खाएगा ये? गलम गलम भूला, गलम गलम। इच्छे नहीं खाना। इसको सुलटा लेटा के खिलाओ ना, इसे पेट की बननी। कैसा हो रहा है टेस्ट बताओ? चलो अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है? टेस्टी हो रहा है। आपको तो सभी कुछ टेस्टी लगता है, बस दूध के सिवा। दूध क्यों नहीं पीती हो अच्छे से? थोड़ी सी खाने में देर लगा दोगे ना तो छिड़ जाती है। ये कहती है मुझे खिलाते रहो। वो देखो पे आ गई आइसक्रीम भाई। दो ही आइसक्रीम? अच्छा श्री, आइसक्रीम खानी है आपको? तो गाइस हम घर आ गए थे और कन्नू हमें हल्द्वानी से लेने आ गए थे क्योंकि इनका काम था, गाड़ी की सर्विसिंग करानी थी, तो हम भी इन्हीं के साथ आ गए थे घर। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि श्री भी थी और थोड़ा बहुत सामान भी था। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड आई लव यू टू।